नमस्कार, मैं हूं मनीषा चोला। न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। सऊदी अरब दौरे के दौरान भारतीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय संबंध को और बेहतर करना चाहता है और दोनों देश मिलकर अलग अलग क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं। बता दें कि अरुण जेटली ने भारत सऊदी अरब के संयुक्त आयोग की 12वीं बैठक को संबोधित किया है। वहीं इस बैठक में दोनों देशों ने कई विषयों पर सहमति जताई है। भारतीय सेना ने ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। 15 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 17 टन है। हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने पीएनबी के 3 और अधिकारियों को गिरफ्तार किया। बता दें, इस गिरफ्तारी के साथ ही अब तक केंद्रीय जांच एजेंसी के मामले में कुछ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपी नीरव मोदी के कई और कार्यालयों पर भी छापे मारे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ बदसलूकी का लगा आरोप। खबरों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने केजरीवाल के इशारे पर चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से बदतमीजी और धक्का मुक्की की। वह इस मामले को लेकर अंशु प्रकाश एलजी से मिले। इस मामले के चलते आईएएस एसोसिएशन ने अरविंद केजरीवाल और 2 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। केंद्र सरकार के बजट से तेलुगु देशम पार्टी लगातार नाराज चल रही है। यहां तक कि टीडीपी और एनडीए के अलग होने की खबरें भी चर्चाओं में बनी रही। आपको बता दें, इस विषय पर राज्य के मुख्यमंत्री और टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो एनडीए से अलग नहीं होंगे और न ही अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और ये विकल्प अंतिम होना चाहिए। यूपी के बदमाशों में पुलिस एनकाउंटर का खौफ शामली में आया नजर। शामली के झिंझाना थाने में हत्या का एक आरोपी पहुंचकर खुद की गिरफ्तारी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। बता दें, आरोपी ने अपने गुनाह कबूल करते हुए कहा, एनकाउंटर के डर से मैं हत्या के बाद फरार हो गया था। मुझे जेल में बंद कर दो, आगे से मैं कोई क्राइम नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश के सिंहपुर गांव में घर में रखे अवैध पिस्टल से खेल रहे बच्चे के सिर में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक घर में अवैध पिस्टल रखी गई थी। बच्चे ने खिलौना समझकर पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। आवाज सुनकर परिजन वहां पहुंचे और बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस भी जांच में जुट गई है कि घर में अवैध पिस्टल कहां से आई। अरुणाचल प्रदेश में बच्ची से रेप के मामले में लॉकअप में बंद 2 युवकों को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। पुलिस के मुताबिक करीब 1000 लोगों ने थाने पर हमला बोल दिया और दोनों आरोपियों को बुरी तरह पीट कर जिंदा जला दिया गया। बता दें, दोनों आरोपियों पर 5 साल की बच्ची का अपहरण कर रेप का आरोप था। वहीं कुछ दिनों बाद बच्ची का शव बिना कपड़ों के सिर कटा हुआ मिला था। पाकिस्तानी सीनेट ने एक बड़ा कदम उठाया है। पाक ने चीन की भाषा मंदारिन को अपने देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता दी है। खबरों के मुताबिक इस भाषा के प्रस्ताव के बाद चीन और पाक के आपसी संबंधों को मजबूत करने और इस्लामाबाद बीजिंग के बीच संबंधों का एक और नया रूप देखने को मिल सकता है। ईस्टर्न घोटा में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में सीरियाई सेना द्वारा की जा रही बमबारी में 100 आम नागरिकों की मौत हो गई। मरने वालों में 20 बच्चे भी शामिल है। बता दें कि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि विद्रोहियों के कब्जे वाले ईस्टर्न घोटा में सीरिया विद्रोहियों के द्वारा भारी बमबारी के शिकार नागरिक बन रहे हैं और इसे फौरन बंद किया जाना चाहिए। मलेशिया के इपोह में होने वाले 27वें सुल्तान अजमल शाह कप के लिए 18 सदस्यीय हॉकी टीम का चयन किया गया। आपको बता दें, अजलन शाह कप 3 से 10 मार्च तक खेला जाएगा, जिसमें भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, आयरलैंड और मलेशिया की टीमें भाग लेंगी। रेटिंग एजेंसी फीच ने 11,400 करोड़ रुपए के घोटाले के सामने आने के बाद पंजाब नेशनल बैंक को रेटिंग वॉच नेगेटिव श्रेणी में रखा। फीच के मुताबिक व्यवहारिकता रेटिंग में किसी वित्तीय संस्थान की ऋण विश्वसनीयता का पता चलता है और ये निकाय की असफलता का सूचक होता है। अक्षय कुमार की फिल्म बैटमैन ने पहले वीकेंड पर लगभग 40 करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ, लेकिन दूसरे वीकेंड पर यह आंकड़ा बुरी तरह गिर गया। फिल्म अब तक 71 करोड़ 90 लाख रुपए कमा चुकी है। वहीं नीरज पांडे के निर्देशन में बनी फिल्म अयारी ने बॉक्स ऑफिस पर पहले 3 दिनों में लगभग 11 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। टीवी एक्टर गौरव चोपड़ा ने दिल्ली में एक प्राइवेट सेरेमनी में की शादी। गौरव की शादी में सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए। शादी में टीवी इंडस्ट्री से भी चंद लोगों को बुलाया गया था। आपको बता दें, गौरव की वाइफ का नाम हितिशा है, जो ग्लैमर इंडस्ट्री से नहीं है।
प्रियंका चोपड़ा से जुड़ा एक नया विवाद सामने आ रहा है। एक कैलेंडर में इस्तेमाल प्रियंका की फोटो को संस्कृति के खिलाफ बताया जा रहा है। दरअसल प्रियंका असम टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर है। हाल ही में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उनकी फोटो के साथ एक कैलेंडर लॉन्च किया गया था। वही कैलेंडर पर कांग्रेस ने एतराज जताते हुए कहा कि कैलेंडर में प्रियंका ने काफी छोटे कपड़े पहने हैं। मेरे साथ इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।